अगर आप भी शादीशुदा हैं और आपने अपनी पत्नी के नाम पर कोई भी जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी ले रखी है या पत्नी को कोई भी ऐसी महंगी चीजें दिला रखी है जैसे ज्वेलरी कोई गिफ्ट महंगे वगैरह या अभी नहीं भविष्य में आप कभी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी धन संपत्ति खरीदते हो तो ऐसे में दोस्तों ये नए नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए ताकि भविष्य में आप पति पत्नी के बीच कोई कंट्रोवर्सी कोई विवाद ना बने और खुदा ना खास्ता अगर पति पत्नी के बीच ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस धन संपत्ति प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा जो आपने अपनी पत्नी के नाम पर ली है। मान लीजिए अगर किसी की पत्नी का उस पति से तलाक हो जाए जिस पति ने अपनी पत्नी के नाम पर कोई महंगी चीजें कोई प्रॉपर्टी जमीन प्लॉट वगैरह ले रखा है तो तलाक के बाद क्या वो प्रॉपर्टी पत्नी की ही रहेगी या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला निकल कर आ रहा हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। इसका मतलब सीधा नया नियम लागू हो चुका है ये हमारे देश में। पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। अगर आप अपनी पत्नी या गृहिणी के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो संपत्ति खरीदते हो तो इस पर उनके अधिकार के क्या नियम है इसी को लेकर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया एक केस की सुनवाई करते हुए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया कि अगर घर मालिक मकान मालिक अपनी पत्नी गृहिणी के नाम पर संपत्ति खरीदता तो उस पर किसका अधिकार रहेगा। संपत्ति की मालकिन सिर्फ वो महिला होगी या उस पर परिजनों का भी अधिकार होगा। तो देखिए पहला नया नियम बड़ा आदेश ये है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी क्योंकि पत्नी के पास आय का कोई भी स्वतंत्र स्रोत स्वतंत्र विकल्प नहीं है और इसीलिए भले ही आपने अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ले रखी है लेकिन फिर भी वो एक पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। अगर पत्नी अलग भी हो जाती है तलाक हो जाता अलग रहने लग जाती है कोई पति पत्नी के बीच बिगाड़ हो जाता तो भी वो प्रॉपर्टी पत्नी लेकर नहीं भाग सकती है समझ रहे हो क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर उनके परिवार का अधिकार होगा ना कि सिर्फ उसकी पत्नी का। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पतियों के लिए अपनी पत्नियों के नाम पर संपत्ति खरीदना आम बात है और हिंदू पति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी परिवार की प्रॉपर्टी होगी वो क्योंकि सामान्य स्थिति में पति अपने परिवार के हित में घर संभालने वाली पत्नी के नाम पर भी संपत्ति खरीदता है जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं होता है और इसीलिए उस संपत्ति पर खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर पत्नी ये अधिकार नहीं जमा सकती कि तो मेरे नाम पे है तो मैं जब चाहूं उसे बेच दूं या मैं मेरी मर्जी पड़े जो वो करूंगी समझ रहे हो। पति पत्नी के लिए ये बहुत ही बड़ा फैसला और नया नियम लागू हो चुका हमारे देश में कि पत्नी के नाम पर खरीदी हुई प्रॉपर्टी भी पति की ही होगी और उसके परिवार की ही होगी पत्नी अकेले उस पर अधिकार एकाधिकार नहीं जता सकती है। यानी हाउस वाइफ के नाम पर खरीदा घर भी परिवार की संपत्ति माना जाएगा फिर चाहे आप घर खरीदो प्लॉट प्रॉपर्टी उनके नाम पर कार ली महंगी ज्वेलरी दिलाई कुछ भी हो उस पर पूरे परिवार का हक होगा है ना। तो उम्मीद है दोस्तों पति पत्नी की प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकार को लेकर नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे और भी इस केस की डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा आप चेक कर लीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें बड़े फैसले नए नियम देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।